मन बहुत अशांत होता है, मन में बहुत सारे कामुकता वाले वासना वाले विचार आते हैं, कभी कभी तो मन इतना व्यथित होता है कि कुछ काम करने में लगता ही नहीं है, मूड बहुत ज्यादा स्विंग होता है, यानी कि कभी ये कभी वो, कभी खुशी कभी गम, ऐसा मूड बना रहता है। उसके साथ ही ब्लड प्रेशर कभी कभी बहुत हाई हो जाता है, धड़कन बहुत तेज हो जाती है, कभी कभी सांस लेना हो जाता है, ऐसा लगता है एंजाइटी की समस्या बढ़ती जा रही है, और संबंधों में कटुता इतनी बढ़ गई है कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, और मन बहुत अधिक डिप्रेशन की स्थिति में आ गया, और ऐसा लगता है कि अब जीने जैसा कुछ बचा नहीं है, मरने का मन करता है। मित्रों, यदि ये समस्याएं आपके साथ हैं तो आज इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा। ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं नमस्कार मुद्रा के विषय में। नमस्कार मुद्रा क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, इसके लाभ क्या है, इसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे, ये कैसे काम करती है, ये आप उस बात को समझ लेंगे तो आप नमस्कार मुद्रा बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और अपनी बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं से, कहा ना डिप्रेशन एक ऐसी समस्या आ जाती है कि उसके बाद कुछ करने का मन नहीं करता, सबका आत्महत्या कर लें, यदि आप वहां से निकलना चाहते हैं तो आज के वीडियो के निर्देशों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पालन करिएगा। जीवन बहुत अनमोल है, वो किसी के लिए भी दांव पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सांसें मिली हैं, ऊपर वाले ने दी हैं, वो उसका उपकार है, तो उसके उपकार के बदले में हम उसको मृत्यु नहीं ले सकते इस शरीर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे करके मेरे साथ बैठ जाइए, यदि आप बैठ जाएंगे उसके बाद इसके लाभ आदि सुनेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि क्या ना माइंड ऐसे चलने लग जाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बैठ जाइए। बैठना कहाँ है, आप जहां पे सीधे होके बैठ सके, कुर्सी पे बैठ सके कुर्सी पे बैठ जाइए, या भूमि पे मेरी तरह बैठ सकते हैं भूमि पे बैठ जाइए, पद्मासन पे लगा लीजिए, नहीं तो सुखासन में बैठ जाइए, ऐसे आते पाते मार के बैठ जाइए, जहां भी आप बैठ सकते हैं। कुल मिला के दो बातें आपको याद रखनी है, एक रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, और दूसरा आपको हाथ जोड़ के बैठना है, तीसरा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। आप सहारा लेके बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधे बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान ये रखिए पूरा आपका सीधा होना चाहिए, और मैं यहाँ सीधे ऐसे बैठूंगी क्योंकि मुझे ऐसे बैठते बनता है, मेरे लिए कंफर्टेबल है, इसे मैं आपके सामने ऐसे बैठ रही हूँ और हाथ मैंने जोड़ लिया, और हाथ जोड़ने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है, हाथ आपको दूर ऐसे अलग नहीं रखने हैं, आपकी उंगली से उंगली, अंगूठे से अंगूठे से मिल गया है, और आपका अंगूठा जो है ना वो हृदय के पास ऐसे आएगा, और उसके बाद आप बैठ जाइए। आप चाहे तो आंखें बंद करके भी वीडियो आगे सुन सकते हो, क्योंकि आगे मुझे जब मैं बताऊंगी तो आपको बोलूंगी कि आपको ये देखना है, और दूसरी बात क्या है ना कि तो आपको शब्दों से समझ में आ जाएगा कि कब मैं कुछ दिखा रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते, सबसे पहले इसके लाभ बता दूं। मित्रों, इसका सबसे बड़ा जो लाभ है ना, आप कितने भी तनाव में हो, कितने भी गुस्से में हो, कितना भी बड़बड़ करने का मन कर रहा हो, किसी को सुनाने का मन कर रहा हो, उस समय यदि आप अपने मन पर थोड़ा सा इतना कर लें, अपने मन को इतना समझा लें, चल थोड़ी देर शांति से बैठ जाते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करना है आपको कि जब आपके मन में बहुत सारे विचार ये सब आ रहा है, आप खाली सीधे होकर जैसे आपको बिठाया मैंने वैसे बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, और उसके बाद सांसों पे ध्यान करिए, सांस ली सांस छोड़ दी मन में चलने दीजिए, और आप देखेंगे कि शुरुआत में सांसें आपकी बहुत तेज चलेंगी, और नहीं चले तो भी चला लीजिए, यदि आपने किसी झगड़ा आदि कर लिया, मन बहुत बेचैन है, तो पहले शुरुआत में ऐसे कर लीजिए, सांस ऐसे हाथ जोड़ के जोर से दो पांच सांस ऐसे ले लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपकी सांस अपने आप शांत होने लग जाएगी, और उसके बाद सांसों पे ध्यान करते रहिए और ऐसे बैठे रहिए, पर पीठ जितनी सीधी होगी, रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी होगी, उतना ही आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, जिससे आपका मन धीरे 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 शांत होने लगेगा, और ये जब आप अभ्यास करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे, ये हमने पहला इसका लाभ बताया कि मन शांत हो जाता है, और उसके बाद दूसरा लाभ, यदि आपका मन शांत हो जाता है तो आप धीरे धीरे देखेंगे कैसे आपकी धड़कनें शांत हो रही हैं, और जहां धड़कनें शांत होती है तो धड़कनों से जुड़े हुए जो समस्याएं आपको आती है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, किसी की सांसें बहुत तेज होती है, और किसी की सांस कभी कभी चलना भूलने लग जाने की स्थिति बन जाती है, तो इन सब में आपको एक साथ छुटकारा केवल ये नॉर्मल सांस के साथ हाथ जोड़कर मिल जाएगा, और ये करने से आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप करके देखिए, यदि आपके मन में व्यथा है तो आप देखिए, अभी हो सकता है आपके आंसू निकल जाए, पर चिंता नहीं करना, बस ईश्वर को समर्पित कर दो, हे ईश्वर ये आंसू मेरे आंखों से निकले हैं, मैं आपको समर्पित करती हूँ, क्योंकि मैंने जो भी अपराध किया, जो भी मुझसे अनुचित हुआ, वो अनुचित को आप सुधार के मेरे लिए लाइए, ताकि मैं अपने जीवन में जो भी है आप मेरे जीवन को सुधार सको, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद
जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एंजाइटी में मूड स्विंग बहुत अधिक होता है। तो जब एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है ना, तो ऐसी स्थिति में आप इसको करेंगे ना, तो आपको एंजाइटी से छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद इसको करने से जब आपकी धड़कन सामान्य आ जाती है, हृदय का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो सामान्य आ जाता है, तो स्वाभाविक है कि आपका हृदय भी सबल बनता है, यानी कि मजबूत बन जाता है। और साथ ही जब आप ऐसे सांसों पर ध्यान करते हैं, हाथ जोड़कर बैठते हैं, तो इससे आपके हृदय को जो है ना, आपके जो अंगूठे टच है ना, उससे ऊर्जा भी मिलती है, आपका हृदय भी ऊर्जावान है। आपके अंगूठे यानी कि हमारे जो अंगूठे है ना, वो हमारे शरीर के अग्नि तत्व को प्रेजेंट करते हैं, और अग्नि सूर्य का रूप माना जाता है और सूर्य ऊर्जाओं का स्रोत माना जाता है, इसलिए हमारा हृदय अच्छे से एक्टिव हो जाता है, जो अच्छे से अपना काम कर पाता है, इसलिए हृदय हमारा सबल बन जाता है। उसके बाद जब हम अगला लाभ जो है, इससे एक्टिव प्रेशर हो जाता है। जब आप ऐसे बैठते हैं ना, आप देखिए उंगली से उंगलियां टच हैं, जब ये उंगलियों से उंगलियां टच हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि आपकी संपूर्ण शरीर की ऊर्जाएं एकत्र हो रही हैं, और ये संपूर्ण शरीर की जो ऊर्जा एकत्र होती है ना आपके हाथ में, ये क्यों किया जाता है, इसको एक तरीके से और बता दूं मित्रों, हमारे यहाँ जब कोई आता है, आगंतुक का स्वागत हमारे यहाँ हाथ जोड़कर किया जाता है। उसका कारण इतना सा ही है कि हमारे घर में आने वाला व्यक्ति हमारे अनुरूप या हमारे प्रतिकूल किसी भी स्थिति में हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, जो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा व्यक्ति जब हमारे घर में आता है ना, हम बहुत अधिक व्यथित हो जाते हैं, हम बहुत अधिक कष्ट में आ जाते हैं, ये कब जाए, क्या करें, कैसे करें, हमारे मन में बहुत उथल पुथल आ जाते हैं। और कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो बहुत सारा टेंशन दे के जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप उसका नमस्कार के साथ स्वागत करते हैं ना, ये उस ऊर्जा को एकत्र कर देता है जो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। और उसी प्रकार आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगंतुक का स्वागत जब करते हैं ना, तो कुछ ऊर्जाएं उसकी तरफ भी प्रभावित होती हैं, और प्रभावित नहीं प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कभी कभी यदि आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो उनका मन भी शांत हो जाता है, जो उनके मन में उद्वेग आदि चल रहे, तो उसके रुक जाने से होने वाला झगड़ा भी कभी कभी टल जाता है। कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही आते, क्योंकि मेरे साथ पिछले दिनों ऐसा हो चुका कि मैंने कुछ ऐसा एक काम कर दिया था किसी के प्रति, तो उनको गुस्सा था कि मेरे बेटे का वीडियो उन्होंने क्यों बनाया। और जब वो आए मेरे घर में, मैं केवल उनका हाथ जोड़ के स्वागत किया, उनको आसन दिया बैठने को, उनको नमस्ते की, उनसे बात की, वो एकदम शांत होकर चले गए। अर्थात बाद में पता चला कि दीदी हमें तो ऐसा लग रहा था कि, और बाद में मेरे पैर छुप के दिखे, वो भी अलग बात हो गई, और पहली बार हमारा आमना सामना हुआ था, जबकि रहते मेरे घर के सामने वाली बिल्डिंग में ही थे। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, तो झगड़ा हमारा ऐसे टल जाता है। तो ये जब आप इस तरह करते हैं ना, तो ये चीजें अपने आप संभव हो जाती हैं, इसलिए मित्रों इसका बहुत बड़ा लाभ ये भी है। उसके बाद मैंने जैसे कि कहा था कि एंजाइटी से बचाव होता है, मित्रों हमारा जो मस्तिष्क है ना, बहुत सारे विचारों से घूमता है, यानी कि हम जो दिन भर रील आदि देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उत्पटांग हरकतें करते हैं, उत्पटांग चीजें देखते हैं, उत्पटांग सोच चलाते हैं, उत्पटांग सीरियल देखते हैं, उत्पटांग फिल्में देखते हैं, तो इन सब से क्या होता है ना, हमारे मूड में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आते हैं। और जहां सांसों पर ध्यान लगता है, जहां आपके हाथ एकाग्र होते हैं, वहीं से वो धीरे धीरे जब आप सांसों पर ध्यान लाओगे, तो धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप कंट्रोल होने लग जाती है। तो मूड स्विंग एक एंग्जाइटी की वजह से बहुत अधिक होता है, और दूसरा होता है कि भाई ये आपकी ऐसी स्थिति बनी, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें देखी हैं, इतनी सारी चीजें आप सुनते हो, तो वो क्या खिचड़ी पक जाती है मस्तिष्क में, कई बार पता ही नहीं चलता। इसलिए यदि आप उससे बचना चाहते हो, तो आप इसको करके बैठ जाइए, इसको लगा के बैठ जाइए, आप देखेंगे आपको इसका बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और उसके बाद मित्रों एक और समस्या होती है जिसका कारण डिप्रेशन बन जाता है, डिप्रेशन उसके कारण हो जाता है कि हमें अक्सर एक शिकायत होती है औरों से कि मेरे जीवन में मुझे सही चीजें नहीं मिली, यानी कि जो मुझे मिलना चाहिए तो मुझे नहीं मिला, मुझे सारे ऐसे ही लोग मिले जो मतलब मेरे विपरीत थे, या जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, या कुछ ऐसी चीजें जो हमारे मन में बहुत अधिक नकारात्मकता भरती है। तो जब हम हाथ जोड़ के बैठते हैं ना, ये हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को विनम्र बनाती है। कि जब हम देखते हैं ना हमारे इतिहास में, जब हम देखते हैं, जब मैं आपसे बता रही हूँ, तो मेरे मन में ये बात आई कि हमारे इतिहास में हम देखते तो हमारे कितने लोगों ने कितना कितना सहन किया, हमें तो उसके आगे कुछ भी सहन नहीं करना पड़ता। हरिश्चंद्र, जिनका नाम सत्यवादी के रूप में जाना जाता है, कितना कुछ सहन किया, पर आज भी हम उनको उस रूप में जानते हैं ना, पर वो उनकी पहचान बन गई। तो ऐसा हमारा इतिहास भरा पड़ा है, पांडवों ने कितना कुछ सहन किया,
लेकिन वो विनम्र फिर भी बने रहे। तो जब हम हाथ जोड़ के बैठते हैं ना, हमें धीरे धीरे अपनी भूलों का आभास होने लग जाता है। जब हमें अपनी भूलों का आभास होता है, जब हमें कभी लगता है कि अरे हमारे भी तो कुछ बातें होंगी, हमारे भी तो कुछ कर्म होंगे, तो अपने आप अपने भीतर से विनम्रता आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है, जो हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, हम कुछ ऐसा लगता है, तो हम उसे धीरे धीरे किनारा करना सीख जाते हैं। हमने कुछ कहते नहीं है पर हम उसे किनारा करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमें अब विनम्रता वहां ले जाती है कि भाई अब हमें कुछ कहना नहीं है, फालतू में क्यों झगड़े बढ़ाने हैं। तो इस स्थिति में आप अपने आप विनम्र हो जाते हैं। तो विनम्र हो जाते हैं ना, तो स्वाभाविक है कि हमारे संबंधों में सुधार आता है, संबंधों में प्रेम बनता है। और ये प्रेम जो है ना मित्रों, यही हमारे मन की सबसे अच्छी आहार या खुराक या कहें कि एक सात्विक भोजन के रूप में हमारे मन को मिलता है। जब ये प्रेम मिलता है ना मित्रों, तो सारी चीजें प्रेम के आगे फीकी पड़ जाती हैं। आपने सुना होगा सबसे ऊंची प्रेम सखाई, आपने देखा होगा कि जो कृष्ण छछिया पर छाछ में नाचते थे, वो कृष्ण कंस को मारते हैं, जरासंध को मारते हैं, कौरवों को मरवाते हैं, किंतु अहिर की छुरियां, यादव कुल अहिर में, अहिरों में कहा जाता है, अहिर की छुरियां उनको एक क्लास पर छाछ के लिए नाच नचवा लेती थी। मतलब कितनी अलग बात है, प्रेम क्या करता है वो मैं बताने का आपको प्रयास करूं संक्षिप्त में। तो ये प्रेम है मित्रों, कि प्रेम के वशीभूत मनुष्य क्या ईश्वर भी कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं। प्रेम के वशीभूत हुई तो ईश्वर ने मतलब कृष्ण ने मीरा के विष को परिवर्तित किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं मित्रों जो प्रेम से संभव है, जो स्नेह से संभव है, उसको विनम्रता से मिलता है। और जब हम ये चीज करते हैं तो धीरे धीरे अपने आप मन शांत होने लग जाता है। फिर कोई कुछ भी कहता, आई तो डोंट टच केयर वाली स्थिति बन जाती है, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ऐसी स्थिति बन जाती है, मन ये सब चीजों से निकल जाता है। क्योंकि क्या है ना कि जब हमारा मन अशांत होता है तो उसको शांत करने के लिए लोग अक्सर कामुक हो जाते हैं, यानी कि वासना का सहारा लेते कि चलो इसमें थोड़ी देर मन शांत हो जाएगा, या नशे का सहारा लेते चलो इसमें थोड़ी देर मन शांत हो जाएगा। लेकिन ना नशे में मन शांत होता है, ना वासना में मन शांत होता है, क्योंकि वो क्षणिक शांति है, वापिस उससे अधिक उद्वेग आता है, वापिस उससे अधिक समस्या आती है। क्योंकि आप इन विचारों से भी कामुकता से बचना चाहते हैं, नशे से बचना चाहते हैं, तो कृपया आप इस अभ्यास को करिए, अवश्य करिए। आप सीधे बैठ जाइए, जैसे आप बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाइए और हाथ जोड़ के बैठ जाइए। और हाथ आपके पूरी हथेली से हथेली, उंगली से उंगली, अंगूठे से अंगूठा टच होगा, आठ उंगलियां टच है, अंगूठा अंगूठे से टच है। अब आपको बता दूं इसको और करने की विधि स्पष्ट करके, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे करके बैठ जाते हैं। आपको तन के नहीं बैठना है, आपको सीधा बैठना है, हाथ सरल स्थिति में होने चाहिए। और एक बात, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप हृदय से लगाइए, कुछ लोग कहते हैं कंठ से लगाइए, कुछ लोग कहते हैं माथे से भी लगा सकते हैं। लेकिन आप एक चीज देखी होगी, जब हम किसी से बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, कोई हमें बहुत अधिक कष्ट देता है, तब क्या कहते हैं, बाईपास कर। तो ये जब आप करते हो ना, ये कभी कभी किसी से कंटालने का, यानी कि किसी से दूर भागने का भी विधि होती है। तो इस समय जब आप ये करते हो ना, इस समय आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब आप इस तरह नमस्कार किसी को कर रहे हो ना, तो पहली बात कि आपका मन उस समय शांत होना चाहिए, ध्यान ही रखना है। यदि आप माथे से आप लगाकर नमस्कार कर रहे हो तो उस समय आपके मन में शांत भाव होने चाहिए। यदि शांत भाव नहीं है तो ये जो स्थिति है ना मित्रों, ये आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, केवल और केवल आपके लिए। क्योंकि आप जो कर सकते हो, जो बिगाड़ सकते हो केवल अपना, अच्छा कर सकते हो केवल अपना। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा हितैषी हमारा, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। वैसे ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के चलते हैं। यदि आपके मन में सकारात्मक विचार चलते हैं तो ये आपके, आपका इस संसार में सबसे बड़े मित्र से का रोल निभाते हैं, और वहीं यदि नकारात्मक चलते हैं तो सबसे बड़े शत्रु का रोल भी यही निभाते हैं। इसीलिए यदि हमें सकारात्मक ऊर्जाओं को एकत्र करना है तो हाथ जोड़िए, आगंतुक का स्वागत भी ऐसे ही करिए, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा हमने समेट ली है। और इससे हमारी, यदि सामने वाले के साथ हमारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो उसका विकास कई गुना बढ़ जाता है। यदि सामने वाला नकारात्मक है, यदि हम नकारात्मक तो कुछ भी है, तो हाथ जोड़ने से कुछ ऊर्जा सकारात्मक प्रवाहित होती है, जिससे ऊर्जाओं का स्वरूप बदल जाता है और वो हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर संपूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव डालता है। जिससे जब हमारा बॉडी तनाव में होता, आप देखिए तनाव में ऐसी स्थिति बन जाती है, मेरा हाथ कैसा दिख रहा है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपकी सब चीजें हार्ड हो जाती हैं। और वहीं जब तनाव मुक्त हो जाते हैं या आप अपने आप को शांत कर लेते हैं, तो सारी चीजें आपके अंग अंग की नस नाड़ियां एकदम स्मूथ हो जाती है, एकदम सरलता से प्रवाहित होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है
और ये हृदय को भी मिलता है, संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों को मिलता है, तो जिससे हमारे शरीर में कहीं भी कोई आलस हो, तनाव हो, या गांठे वाठे हो जाती है, कोई जम गया है, ब्रेन ट्यूमर है, कुछ भी हो गया है, तो उन सबसे आपको नमस्कार मुद्रा से आरंभ हो जाता है छुटकारा मिलने का। उसके बाद आगे आपकी कोई भी समस्या उस पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव उदर रोग जैसे हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट ली है उसमें आपकी समस्या पर विस्तार से हमने वीडियो दिए हैं। अपनी समस्या पर वीडियो देखिए, चुनिए, समाधान कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपके बहुत कम के वीडियोज है, एक बार चेक करेंगे तो आपको सारी बातें पता चलेंगी। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर आदि दिया है, अब हमें कहीं भी प्रश्न करिए, हम हर जगह आपको उत्तर देते हैं। किंतु मित्रों, पहले आप नमस्कार मुद्रा करके देखिए, उसके लाभ आपको उस स्तर से मिलेंगे, आप बोलेंगे हाँ वाकई। 2 से 3 मिनट का समय दीजिए, कितना भी व्यथित मन हो, आपका मन शांत हो जाने के लिए, क्योंकि जब नमस्कार मुद्रा लगाते हैं ना मित्रों, हमारे हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र, ये सबको बहुत अच्छे रूप से प्रभावित करता है। यदि आप सीधे बैठ गए ना तो आपके 7 चक्र रीढ़ की हड्डी में आ जाते हैं, और जब रीढ़ की हड्डी जब हमारे उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है, क्योंकि जब सांसें ठीक से चले तो ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से होगा, तो संपूर्ण शरीर का एक पुनरावर्तन यानी कि एक नवीनीकरण आरंभ हो जाता है, क्योंकि जहां ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है ना, वही इस सबकी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, और शरीर में जो रूपांतरित हो जाती है चीजें, वो जब आप करोगे, जब आप ठीक से कर पाओगे, तब आपको पता चलेगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसको करके क्या महसूस किया, क्योंकि जितना आप महसूस कर पाएंगे, जितना आप शांति से बैठ पाएंगे, उतना ही आपको इसका रिजल्ट सकारात्मक और अच्छा मिलेगा। तो आशा है आपको ये नमस्कार मुद्रा समझ में आएगी। बिल्कुल भी आपको तनाव में नहीं बैठना, शांति से बैठना, एकदम शांति से, और हाथों को सहारा मत दीजिए, क्योंकि हाथों को सहारा देने के बाद कभी कभी हाथ ऐसे हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। यदि ढीले हो रहे हैं तो एक काम, दूसरा कर लीजिए, हाथ ऐसे बांध लीजिए, ताकि ये भी चलेगा, ये भी आप करेंगे ना, ढीले हो रहे तो बांध लीजिए, पर आप ऐसे मत हो जाइए, ये आपके काम का नहीं है। पहली मुद्रा ये सही है, पर यदि थक रहे हैं तो आप ऐसे करके बैठ जाइए, कोई समस्या नहीं है, करिए, लाभ लीजिए। क्योंकि जो लोग कमजोर हैं, निर्बल हैं, क्योंकि कामुकता बहुत अधिक होती है, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप इस मुद्रा को करेंगे ना, आपको उससे भी शक्ति मिलेगी, कि जो थोड़े सबल हैं वो कर सकते हैं, पर नहीं है वो ऐसे कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप ऐसे करिए, पर करिए और लाभ लीजिए। तो आपका हम समय लेते हैं, आप वीडियो देखते हैं हमारे, उसमें आपके समय का सदुपयोग हुआ, क्या हुआ, और आप क्या हमसे और जानना चाहते हैं, वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा, और कहीं भी हमसे प्रश्न करिए, उत्तर आपको हर जगह मिलेगा, पर प्रश्न एक ही जगह करिएगा, क्योंकि उत्तर तो हर जगह मिलना ही है आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।